हेलो एवरीवन आज हम बात करने वाले हैं रूल थर्टी सेवन के बारे में जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है बिटवीन दी प्री अमेंडेड रूल थर्टी सेवन एंड पोस्ट अमेंडेड रूल थर्टी सेवन फ्रेंड्स एज यू ऑल नो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सेक्शन सिक्सटीन टू की जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करने के बाद मिलता है टू की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के बाद जो सेकेंड जो है सिक्सटीन टू का वो ये कहता है कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंटैक्ट रखना है सर्वाइव करना है तो आपको अपने सप्लायर्स की पेमेंट विदिन वन एटी डेज फ्रॉम द डे ऑफ इनवॉइस करनी पड़ेगी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं विद इन वन एटी डेज तो आपको सक्सीडिंग मंथ की रिटर्न में जब वो ड्यू डेट होगी उसके बाद सक्सीडिंग मंथ की जो रिटर्न होगी उसमें आपको आई का रिवर्सल करना पड़ेगा और जो आई टी सी आपका बनता है उसको अपने आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको पचास एक के अंदर इंटरेस्ट भी जमा कराना पड़ेगा जो आपने एक्सेस अवेलमेंट कर ली है Friends, ये पोजीशन थी से पहले। और रूल थर्टी सेवन अमेंडमेंट से पहले ये भी कहता था कि अगर आपने परपोर्शनेट पेमेंट नहीं की यानी अगर आपने आपके पास कोई इन्वॉइस था दो लाख रुपए का अगर आपने फिफ्टी परसेंट पेमेंट कर दी है तो आपको 50% ITC उसका मिल जाएगा और जो 50% बैलेंस पेमेंट है वो आपको ITC रिवर्सल करना पड़ेगा आलोंग विद इंटरेस्ट ना गवर्नमेंट हैज अमेंडेड रूल 37 बाय नोटिफिकेशन नंबर 19/202। अमेंडमेंट के बाद का जो सिनारियो है उससे कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो गई है कि रूल 37-1 के अंदर एक तो इन्होंने जो इ आईटीसी रिवर्सल की बात एक्सप्लिसिटली और स्पेसिफिकली लिखी हुई थी प्री अमेंडेड रूल थर्टी सेवन वन में उसको उसमें एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दी है उसको थोड़ा सा बना दिया है कंफ्यूजिंग बना दिया है थर्टी सेवन वन अर्लियर इट वॉज क्लियरली स्पेसिफाइंगट पेमेंट इज नॉट मेड आई टी सी टू बी रिवर्स परपोर्शन नाउ दमेंडेड रूल थर्टी सेवन वन इज साइलेंट अबाउट इट इट इज नॉट सेइंग whether it has to be done proportionately or it has to be done on complete claim of ITC. तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट होंगे ऑफिसर रिव्यू ले सकता है कि अगर आपने कोई छोटा अमाउंट पेमेंट नहीं किया किसी वेंडर का तो आपका वो पूरा आई टी सी रिवर्स कर सकता है क्योंकि रूल हैज क्रिएटेड कंफ्यूजन द रूल वॉज अर्लियर इट वॉज कैटेगोरिकली क्लियर

इसको मैं जरा और डिटेल में बताता हूं आपको कि पहले जो रूल थर्टी सेवन था वो ये कहता था कि अगर आपको कोई भी वेंडर है उसकी पेमेंट आपने नहीं की तो इंटरेस्ट आपको जमा करना पड़ेगा एज पर सेक्शन फिफ्टी सबसेक्शन वन पचास एक में जो इंटरेस्ट था वो था एटीन परसेंट नोटिफाइड पचास तीन में इंटरेस्ट है चौबीस परसेंट अब पचास तीन में ऑफिसर इंटरेस्ट चार्ज करेगा या पचास एक में चार्ज करेगा रूल हैज क्रिएटेड एब्सोल्यूट कंफ्यूजन नाउ ऑफिसर्स कैन टेक द व्यू विच इज डेट्रीमेंटल टू दी रजिस्टर्ड पर्सन तो कंफ्यूजन नंबर दो है कि 50 एक में लगेगा इंटरेस्ट या पचास तीन में पहले रूल साफ साफ बोलता था 50 एक से लिंक था लेकिन अब रूल खाली 50 से लिंक कर दिया है यानी सेक्शन फिफ्टी कंप्लीटली लिंकड विद रूल थर्टी दिस ज द सेकेंड सेट ऑफ कंफ्यूजन। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन है कि जो रिवर्सल है वो होना है विदिन वन एटी डेज पेमेंट अगर आप नहीं करते हैं पहले रूल थर्टी सेवन वन के अंदर जो बातें कही गई थी वो काफी ज्यादा उसमें क्लैरिटी थी लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन हो गई है तो हम सब वेट कर रहे हैं कि सी बी आई सी इसको जल्द एक प्रेस रिलीज या सर्कुलर से इसको क्लैरिफाई करेगा कि उनकी क्या इंटेंशंस हैं इन अमेंडेड रूल्स के साथ और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बाकी एक पॉइंट तो अभी क्लियर है कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट होनी है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल अवेलमेंट से लेके जब आपने उसको रिवर्स किया वहाँ तक होनी है और वो तभी होनी है इंटरेस्ट की पेमेंट जब आप आई को अवेल करेंगे और यूटिलाइज करेंगे अवेलमेंट प्लस यूटिलाइजेशन इसके लिए हम रेफरेंस दे रहे हैं रूल 88 कैपिटल बी का अगर आपने अवेल कर लिया यूटिलाइज नहीं किया तो इंटरेस्ट आपको नहीं देना लेकिन अवेल कर लिया और यूटिलाइज भी कर लिया और जिस दिन आपको रिवर्सल करना है उस दिन आपके पास बैलेंस है लेकिन वो बैलेंस हैज टू बी फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट नॉट ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल So this was about the controversy of rule 37 under input tax credits. I hope this video will give add some value to your professional endeavors. Thank you so much for sparing your time. Have a nice day. Thank you so much.